हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर बात करेंगे यूएई वीज़ा से रिलेटेड कुछ अपडेट्स सामने आए हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, बोल सकते ये एक वार्निंग है यूएई अथॉरिटीज़ की तरफ से कि अगर आप यूएई में रह रहे हैं, यूएई में आ रहे हैं, तो पर्टिकुलर जिस काम के लिए आ रहे हैं उन सब कामों के लिए यहाँ पर वीज़ा प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर आप टूरिस्ट हैं तो आप विजिट वीज़ा पर आइए, टूरिस्ट वीज़ा पर आइए। अगर आप जॉब सीकर हैं तो आप जॉब सीकर वीज़ा पर आ सकते हैं। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे बिजनेस ऑप्शंस के वीज़ा है, वो वीज़ा आप ले सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो वहाँ का वीज़ा लीजिए। पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं तो पार्ट टाइम वर्क वीज़ा लीजिए या रिमोट वर्क वीज़ा जिसको हम बोलते हैं वो लीजिए। तो पर्टिकुलर हर चीज़ के लिए यहाँ पे वीज़ा बना हुआ होता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारी लेडीज़ जो होती है वो ऑनलाइन बिजनेस कर रही होती है, तो उनको भी बिजनेस वीज़ा चाहिए होता है, ठीक है। उनका भी लाइसेंस होना चाहिए तभी वह ऑनलाइन बिजनेस कर सकती है। यहाँ पे ऑनलाइन ट्यूशन्स का जो लोग करते हैं उनको भी यहाँ पे लाइसेंस चाहिए होता है। फूड बिजनेस बोल लीजिए, पार्ट टाइम जॉब हो गया या रिमोट वर्क हो गया, पर्टिकुलर एक कंपनी में जॉब हो गया या आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, ऐसा तो हर काम के लिए यहाँ पर वीज़ा बना हुआ होता है। उस वीज़ा को लीजिए और आप अपना काम कर सकते हैं। जैसे जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं उनके लिए फ्रीलांस वीज़ा होता है, तो इससे क्या होता है आपके पास आपका लाइसेंस नंबर होता है और आप लोग सारे जॉब्स अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन ये सारे जो काम मैंने बोला है वो आप प्लीज़ विजिट वीज़ा पर मत कीजिए। अगर ये सारे काम आप विजिट वीज़ा पर करेंगे तो आप एक इलीगल हो जाएंगे और इलीगल को अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बहुत ज़्यादा शॉर्ट आउट किए गए हैं, इंस्पेक्शंस ऑलरेडी चल रहे हैं कि ऐसे जो इलीगल रेसिडेंट्स हैं या इलीगल विजिटर्स है वो सामने आए और यूएई एमनेस्टी जो चल रहा है उसका ऑफर जो है अवेल करे और अपने आप को लीगल प्रूफ करे। फिर भी बहुत लोगों को देखा जा रहा है कि वो लोग सामने नहीं आ रहे हैं, इसलिए बार बार ये ट्वीट किया जा रहा है कि आप जिस भी काम के लिए यहाँ पर रह रहे हैं उस काम का वीज़ा लीजिए और अपना काम कीजिए, ना कि इलीगल वे पर किसी और कंट्री में आप रहिए। तो गाइस, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।